हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप पंजाब नेशनल बैंक का नॉमिनी क्लेम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, यूबीआई और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्ज हो चुका है, तो अब तीनों का ये कॉमन फॉर्म है। आप किसी के अकाउंट में नॉमिनी थे, आप जिनके अकाउंट में नॉमिनी थे उनका ध्यान हो चुका है, तो अब आप उनके अकाउंट में जो पैसा है या उनके लॉकर में जो सामान है उसको आप क्लेम करेंगे। तो जो क्लेम फॉर्म होता है वो आप कैसे फिलअप करेंगे, यह हम मान के चलते हैं कि जिनका ध्यान हुआ उनके अकाउंट में नॉमिनेशन था, तो ये क्लेम फॉर्म आपको भरना है, जिसका फॉर्म नंबर होता है PNB 831। तो देखिए, इस फॉर्म को आपको ऐसे फिलअप करना है। मान लीजिए आप नॉमिनी हैं, आपका नाम मुकेश कुमार है, तो आप यहाँ लिखेंगे आई श्री मुकेश कुमार। आप अपना यहाँ पूरा नाम लिख देंगे, नॉमिनी अपॉइंटेड ऑन नॉमिनी आई एम द नॉमिनी ऑन बिहाफ ऑफ द डिजिस, जिनका डिजिस सीरी जिनका देहांत हो गया उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, जिनका देहांत हो गया। मान लीजिए उनका नाम सुरेश कुमार था, आप यहाँ पे लिख देंगे सुरेश कुमार। फिर यहाँ पे जो एक लाइन लिखा हुआ है कि आई फादर डिक्लेयर दैट आई एम नॉमिनेटेड टू क्लेम द डिपॉजिट और आर्टिकल हेल्ड इन सेफ कस्टडी और सेफ्टी लॉकर विथ, ठीक है। इसके बाद है कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि मैं इस अकाउंट में नॉमिनेटेड हूँ, अगर उनके अकाउंट में जो भी पैसा है या जो लॉकर में जो भी सामान है वो पाने के लिए, विथ इस ब्रांच का नाम लिख देंगे जिस ब्रांच में उनका अकाउंट था जिनका ध्यान हो चुका है। मान लीजिए वो पटना ब्रांच है तो पटना ब्रांच लिख दीजिएगा। बाई श्री यहाँ भी आप उन बाई श्री यहाँ भी उनका नाम लिख दीजिएगा जिनका देहांत हो गया है, सुरेश कुमार, ठीक। द डिपॉजिट मनी और आर्टिकल हेल्ड इन सेफ कस्टडी और लॉकर आर हेल्ड इन अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप जिस अकाउंट में क्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का नंबर लिख दीजिएगा जिनका ध्यान हो गया उनके अकाउंट का, या फिर मान लीजिए लॉकर भी है तो लॉकर का नंबर अगर है तो लॉकर का नंबर लिख दीजिएगा, या सेफ कस्टडी में कुछ है तो उसका रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ लिख देना है, और सीरी यहाँ भी जिनका ध्यान हो गया उनका नाम लिखना है, सीरी से। फिर आपको अपना यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है क्योंकि आप नॉमिनी आप क्लेम कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपना पूरा सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है। और देखिए, दो विटनेस लगते हैं, एक विटनेस लगता है या कोई मजिस्ट्रेट या जुडिशियल ऑफिसर या कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर या किसी बैंक का ऑफिसर या दो पर्सन जो बैंक के एक्सेप्टेबल हो। ये विटनेस उसी केस में लगता है जिस केस में नॉमिनी साइन नहीं करते हैं, वो अंगूठा छाप हो, जब अंगूठा देते हैं अपने थंब इम्प्रेशन तब ये विटनेस लगता है, अदरवाइज विटनेस की ज़रूरत नहीं है। इन चार में से आप किसी का विटनेस करा सकते हैं अगर जो नॉमिनी है मान लीजिए मुकेश कुमार साइन नहीं करके टिप्पा देते हैं तो, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ आपको नॉमिनी को अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो बैंक को देनी होगी, आइडेंटिटी प्रूफ बैंक को देनी होगी, एड्रेस प्रूफ बैंक को देनी होगी, और ये डेट सर्टिफिकेट जिनका ध्यान हो गया उसको बैंक को देनी होगी, और आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।